हमारे बड़ों ने कहा था कि ये बहुत पुरानी गोट है, ब्रिटिश के दौर के हैं, वहाँ पे सारे जो है ना कारोबार हमारे खेती बाड़ी से हुआ करते थे। इसी तरीके से चलते चलते ये लांडी कुरंगी बन गया, इंडस्ट्रियल एरिया बन गई। तो इस तरीके से हमारे इस इलाके में ये बच्चों की तरह हम फुटबॉल खेलते थे गलियों में। तो तकरीबन 60 की दिहाई में बाकायदा थोड़ी बहुत खेलना शुरू किया इस मैदान में। 1952 में बाकायदा एक टीम हो गया, टीम का नाम था बलूचिस्तान फुटबॉल क्लब। 2010 में हमें खालिद महमूद से हमारी बात शुरू हो गई, तो बाकायदा इधर कैंप लग गया। खालिद महमूद साहब ने सारे बच्चों को उनके वालदैन से यहाँ पे स्पीच की, उनको समझा दिया हमारा मकसद ये कि आप फुटबॉल भी खिलाएँ और साथ साथ आप तालीम भी हासिल करें। तो उसके बाद से ये सिलसिला चला आ रहा है। हमारे टूर्नामेंट में आपके एकेडमी के बच्चे 4-5 बच्चे हैं जो कि हमारे फील्ड में खेलते हैं बाकायदा। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं 3 साल से गैस फार्मा फुटबॉल एकेडमी से खेल रहा हूँ। पहले तो पढ़ाई नहीं करते थे हम लोग, फुटबॉल खेलते थे बस। अभी तो फुटबॉल भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है, तो अच्छा ग्राउंड भी मिला है, ग्रासी ग्राउंड मिला है हम लोगों को खेलने के लिए, और एकेडमी कोच भी मिला है कि कोई हम लोग को सिखाता है भी। 3 दिन का ट्रायल था उधर पाकिस्तान टीम का, हम लोग यहाँ से सीख कर गए थे, वहीं पर ये किया था हम लोगों ने। जो मोहल्ले में हम बैठते तेरा बच्चा अच्छा खेलता है, बहुत सही खेलता है, तो होटलों में हम चाय पीने जाते हैं, बहुत गपशप होते हैं हमारे बच्चे के बारे में, बोलते तुम जैसा खेलता था अभी तुम्हारा बच्चे भी ऐसे ही खेलने लग रहे हैं। बास पैदा की यानी कि बास शर रहे भी बास शौक के तेरा सिद्धिक गोशी गई कि मना बास शर लगी कि मैं धीमा बुरुआ सवाल ये पैदा होता है कि गेट्स फार्मा ने ये स्पोर्ट्स एकेडमी के ऊपर क्यों इतनी मेहनत, इतना सरमाया लगाया, हम दूसरी भी चीज़ें कर सकते हैं। मैं जब पहले पाकिस्तान मूव हुआ तो यहाँ पे फुटबॉल एक बहुत बड़ा स्पोर्ट होता था। मैं जहाँ पहले जिस इदारे में काम करता था वहाँ पे उस हमारे इदारे में कम से कम 4 लोग ऐसे थे जो लियारी से थे, बलोच बच्चे थे, बहुत प्यारे बच्चे थे, और वो नेशनल टीम में थे। मगर मैंने उनको, मैं उस वक्त बहुत ही जूनियर पोजीशन में काम कर रहा था, तो मेरा कोई डिसीजन मेकिंग में अनफॉर्चुनेटली इन द रोल नहीं था। मगर मैंने देखा कि वो बच्चे ज़राए ना होने की वजह से कैसे वो किस तरह से उनकी डिग्रेडेशन हुई। तो हमने अपनी कम्युनिटी के करीब एक देखा, एक शराफी गोट है जहाँ पे एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड था, उस फुटबॉल ग्राउंड को रिवाइव किया। यहाँ से जो बच्चे निकले हुए जाएँ वो नेशनल टीम में जाएँ, वो पहले तो रीजनल टीम में जाएं, वो सिटी टीम में जाएं, फिर उसके बाद रीजनल टीम में जाएं, फिर नेशनल टीम में जाएं। हमें बस्ती के लोग बताते हैं कि जो एडिक्शन है मंशियात से वो तकरीबन आधे से भी कम रह गया इस फुटबॉल एकेडमी की वजह से। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मेरा बेस्ट प्लेयर मार्सिलो है। मेरा नाम सैयद अहमद शाह और मैं ब्राज़ील के प्लेयर नेमार को पसंद करता हूँ। मेरा नाम अम्मस, माय फेवरेट प्लेयर इज नेमार जी। मेरा नाम फराज है और मेरा बेस्ट प्लेयर है लियोनेल मेसी।